हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग 20 जी के क्वेश्चन को डील करेंगे। सो आइए देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं पर बेसिक हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं है। फ्रेंड्स, इसके चार ऑप्शन हैं। अगर आप वीडियो को रोकना चाहें या और टाइम लेना चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी बॉक्साइट एंड ऑप्शन सी क्रायोलाइट एंड ऑप्शन डी कैल्साइट। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रायोलाइट। सो नेक्स्ट इज अनन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इज, यानी कि एक गैर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। फ्रेंड्स, इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी गैस कार्बन एंड ऑप्शन सी कॉपर सल्फर और ऑप्शन डी मरकरी। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मरकरी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। फ्रेंड्स, इसके चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरस। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोडियम। सो नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ लेक इज फॉर्म बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, यानी कि वॉल्केनिक गतिविधियाँ से किस प्रकार का झील बनेगी या बनाई जाती होगी। सो इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लैगून, ऑप्शन बी फ्रेश वाटर लेक एंड ऑप्शन सी कैलडेरा झीले एंड ऑप्शन डी करस्क झीले। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैलडेरा झीले। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीन मैन्योर इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी हरी खाद प्राप्त होती है। इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डोमेस्टिक वेजिटेबल वेस्ट, ऑप्शन बी ऑयल सीड हस्क केक एंड ऑप्शन सी फ्रेश एनिमल एक्सक्रेटा एंड ऑप्शन डी डिकम्पोजिंग ग्रीन लेगम प्लांट। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिकम्पोजिंग ग्रीन लेगम प्लांट। सो नेक्स्ट इज, द एनवायरनमेंट इंक्लूड, यानी कि पर्यावरण में शामिल होता है। अगर आपको एनवायरनमेंट का डेफिनेशन मालूम है तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट इज, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका नोन एज। फ्रेंड्स, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पेम्पास, ऑप्शन बी डाउंस, ऑप्शन सी स्टेप्स एंड ऑप्शन डी प्रेरीज। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रेरी। सो फ्रेंड्स, ये जो पेम्पास ग्रासलैंड है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये जो डाउंस ग्रासलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो स्टेप्स ग्रासलैंड है ये सेंट्रल एशिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 इज, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, यानी कि आम नमक का रासायनिक नाम क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, Na सोडियम एंड दैट इज Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो नेक्स्ट इज, पंडित शिव कुमार शर्मा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रतिपादक हैं। फ्रेंड्स, इसके भी चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैंडोलिन, ऑप्शन बी संतूर, ऑप्शन सी सितार एंड ऑप्शन डी वीणा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संतूर। सो नेक्स्ट इज, क्वेश्चन नंबर 10 इज, मौत्री देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, यानी कि मौत्री देवी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लिटरेचर, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी जर्नलिज्म एंड ऑप्शन डी म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिटरेचर। सो नेक्स्ट इज, नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एक्ट, यानी कि नोबेल पुरस्कार वार्षिक रूप से वितरित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, ऑप्शन सी जनेवा एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टॉकहोम। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज तो स्टॉकहोम से ही दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो से दिए जाते हैं, और ओस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज अ बुक रिटन बाय, यानी कि भय से मुक्ति एक किताब है जो कि लिखा गया था
फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है बेंजिन भुट्टो, ऑप्शन बी कोरजोन एक्विनो, ऑप्शन सी ऑंग सेन सू की एंड ऑप्शन डी नयनतारा सहगल। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज ऑंग सेन सू की। और फ्रेंड्स ऑंग सेन सू की को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1991 में। और फ्रेंड्स ये जो हैं ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं और ये म्यांमार का स्टेट काउंसिलर भी रह चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984, यानी कि 1984 पुस्तक लेखक कौन है। सो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है जे एम बरी, ऑप्शन बी वाटलर स्टॉक, ऑप्शन सी जॉर्ज ऑरवेल एंड ऑप्शन डी थॉमस हार्डी। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज जॉर्ज ऑरवेल। सो द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डे कहाँ पे स्थित हैं। सो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी कोलकाता। फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज मुंबई। सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देती हूँ, डेट इज 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन द पब्लिक फाइनेंस वॉज गिवन बाई, यानी कि सार्वजनिक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया गया था। फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबिन, ऑप्शन बी मुसग्रेव, ऑप्शन सी फिनले एंड ऑप्शन डी डाल्टन। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज डाल्टन। सो अवर क्वेश्चन नंबर 17 इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ टू सबमिटेड रिपोर्ट टू द, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है जब भी अपना रिपोर्ट तैयार करेगा तो वो जाके सबमिट किसको करेगा। सो इसके जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी लोकसभा एंड ऑप्शन डी राज्यसभा। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज प्रेसिडेंट। और फ्रेंड्स जो यूपीएससी है या फिर कोई भी अगर 28 स्टेट में जितने भी स्टेट पीएससी हैं ये सब के सब आर्टिकल 315 में आते हैं, सो ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ मेनी टाइम्स वाज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। सो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 times, ऑप्शन बी 2 times, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी नॉट अमेंडेड। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बार अमेंड किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर इज सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल बाय, यानी कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो किसके आज्ञा पे किया जाता है। सो फ्रेंड्स इसके 4 options है, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑप्शन सी द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द स्टेट लेजिस्लेचर। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच रिवीलियन इन बंगाल वाज हाईलाइटेड बाई बंकिम चंद चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मठ। बंगाल में किस मंडप को बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उजागर किया था। सो फ्रेंड जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए चौर अपराइजिंग, ऑप्शन बी सन्यासी रिवीलियन, ऑप्शन सी कोल अपराइजिंग एंड ऑप्शन डी संथाल अपराइजिंग। सो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सन्यासी रिवीलियन। और फ्रेंड्स ये 1776 में हुआ था और ये पूरा 1 year कंटिन्यू चला था और ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। और ऑप्शन नंबर ए जो है चौर अपराइजिंग ये भी वेस्ट बंगाल में ही हुआ था और ऑप्शन नंबर सी एंड डी यानी कि कोल अपराइजिंग और संथाल अपराइजिंग ये दोनों झारखंड में हुआ था। संथाल अपराइजिंग झारखंड में एंड कोल अपराइजिंग छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि दोनों के दोनों झारखंड में हुए थे। और फ्रेंड्स संथाल अपराइजिंग जो है वो 1855 में हुआ था, आप ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये सारे डेट्स भी पूछे जाते हैं। और संथाल अपराइजिंग का दो जो लीडर है सिंधु एंड कांधू, सो फ्रेंड्स झारखंड में सिंधु एंड कांधू नाम का एक पार्क भी है, सो आप ये भी याद रख सकते हैं। सो हमारा जितने भी क्विज टेस्ट थे 20 questions वो यहाँ पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे इसी तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जीके और जीएस के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों।